हेलो गाइस, वेलकम विद ग्रुप एंड विद विंड एंड वेव्स। आज का टॉपिक है नॉट टू, क्योंकि नॉट वन का वीडियो मैंने पहले भी बना दिया था, तो आप जरूर देखें और इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखें नॉट के लिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में तीन चीजें बताई थी, नॉट, हिचेस एंड बेंड। तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पहले जरूर देखें ताकि आपको पता चले। तो आज हम बात करेंगे दो हिचेस के बारे में। तो आपको हिचेस का यूज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया और ये वीडियो के आखिरी में भी आपको बताऊंगा, तो आखिरी तक देखें। तो हम दो हिचेस के बारे में बात करेंगे, पहला है क्लो हिच और दूसरा है काउ हिच। ओके, तो ये है आज की पहली नॉट, क्लो हिच। ये नॉट शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज होने वाली नॉट है। तो इसका मैं आपको नॉट कैसे मारते दिखाता हूँ। देखो, ये है आपका रनिंग एंड, ये है पीछे वाला रनिंग एंड, ये है आपका फ्री एंड लास्ट वाला। तो इसको पहले किसी भी चीज में से पास करना है, ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से एक टर्न लिया, बाद में इसको क्रॉस करना है, ये टर्न को क्रॉस करना है, इसको पकड़ लेना है और फिर से नीचे से लेके ये जो गैप बना, ये जो रनिंग एंड और ये जो अभी एक आई बना, यहां से पास करना है। तो ये हो गई आपकी क्लो हिच। इसको आप जितना भी खींचोगे ये टाइट होती जाएगी पर खुलेगी नहीं। फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, पहले किसी भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से इसको पास करना है पीछे से, ये आपका रनिंग एंड हो गया और ये आपका फ्री एंड हो गया। फ्री एंड को इस पे से क्रॉस करना है, फिर से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट के नीचे से पास करना है, पीछे से पास करना है और ये जो आपका फ्री एंड आया उसके आई में से इधर से पास करना है। हाँ, ध्यान रखना जरूर कि ये जो रनिंग एंड है, ये जो रनिंग एंड, इसके ये साइड से, इसके और ये जो फ्री एंड आया उसके बीच से ये एंड निकलना चाहिए। ओके, तो ये हो गया है क्लो हिच, ये हो गया स्ट्रॉन्ग अपना। ओके, तो दूसरा नॉट है काउ हिच। तो काउ हिच मैं आपको बता दूं, काउ हिच को ऐसे ही पहले आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट के पीछे से रोप पास करनी है, ठीक है, यहां से पास करनी है। अभी क्या करना है आपको, जहां से ये फ्री एंड निकला वहीं से फिर से पास करना है। इसको अंदर से पास किया और ये आपका फ्री एंड और रनिंग एंड के बीच में से निकालना है। ये क्लो हिच के थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्लो हिच में हमने आगे से घुमाया था, इसको पीछे से घुमाना है। तो ये हो गया काउ हिच, आप देख सकते हो। फिर से दिखा देता हूं मैं, हमने पहले एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के पीछे से पास की रस्सी, बाद में ये फ्री एंड को ये रनिंग एंड के ऊपर से लेके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के फिर से पीछे से लेके ये फिर से ये फ्री एंड का रस्सी और ये रनिंग एंड का रोप के बीच में से पास करके अपनी तरफ खींचनी है। तो ये हो गई काउ हिच। ओके, तो काउ हिच और क्लो हिच, आपको दो हिच जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि हिचिस का यूज होता है कि सिक्योर द एंड ऑफ द रोप। तो ये आप देख सकते हो, ये एंड ऑफ द रोप, ये हो गई क्लो हिच, ये हो गई काउ हिच। तो ये कोई भी एंड है रोप का, उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ हम लोग सिक्योर करने के लिए हिचिस का यूज करते हैं। तो ये आप आज के वीडियो में, ये आज की दो हिचिस हो गई, जिसमें से ये क्लो हिच है वो सबसे ज्यादातर यूज होती है मर्चेंट नेवी में। सबसे ज्यादा यूज होने वाली नॉट यही है, ये क्लो हिच, और मैंने नॉट वन के वीडियो में आपको बताया था एक बो लाइन, वो सबसे ज्यादा यूज होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई दो नॉट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।